नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नई स्कॉर्पियो के सारे फीचर्स के बारे में आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च होगी महिंद्रा की तरफ से एक नई जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो की थर्ड जनरेशन रहेगी। हम सभी को मालूम है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो मार्केट में कितनी पॉपुलर है, हम इसे कितनी पसंद करते हैं। तो इसके कुछ स्पॉयसर्स अभी इंटरनेट में काफ़ी वायरल हो रहे हैं। हम उसी स्पॉयसर्स को अभी कलेक्ट करके इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको स्कॉर्पियो ही नहीं, बाकी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक बहुत ही जल्द जो है वो पहुंच जाएगी। तो अपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमारे चैनल पे ऐसे ऑटोमोबाइल से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो की एक नई जनरेशन मार्केट में आने वाली है। आप इसके कुछ स्पॉयलर्स अभी वीडियो में देख सकते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमें कायन वाली स्कॉर्पियो जैसी अभी नहीं रहेगी। ये थोड़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ी वाइडर भी हो जानी चाहिए। इसकी लंबी होने की वजह से इसकी थर्ड रो में हमें ज़्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए। तो इसकी अगर आप फ्रंट लुक की भी बात करते हैं तो उसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महिंद्रा की जो अल्ट्रा Z4 है उस जैसी ही देखनी चाहिए, उससे ही इंस्पायर रहेगी। और अल्ट्रा Z4 से काफ़ी फीचर्स भी यहाँ पे इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा महिंद्रा अपकमिंग स्कॉर्पियो में। इसकी अगर आप इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे प्योरली न्यू आपको एक डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिल जाएगी, जो कि कायन स्कॉर्पियो में हमें देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको एक नई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने की पूरी संभावना है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ आपको सनरूफ भी मिल जाए, जो कि जो हम टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो महिंद्रा अल्ट्रा Z4 से ही लिया जाएगा। अगर आप इसकी इंजन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लीटर की डीजल इंजन मिलेगी, जो कि रिप्लेस करेगी कायन वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो की 2.2 लीटर वाली एमहॉक डीजल इंजन को, जो कि प्रोड्यूस करेगी 400 Nm की टॉर्क आपको प्रोवाइड करवा के देगी। अगर आप इसकी फ्यूल इफिशियंस के बारे में बात करते हैं तो इसकी फ्यूल इफिशियंसी में ज़्यादा फर्क तो आनी नहीं चाहिए। कितनी आएगी इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल रिविलेशन नहीं है। अगर आप इसकी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको जैसा कि मालूम है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी ये तकरीबन 12 से लेकर 18 लाख के बीच आपको नई स्कॉर्पियो जो वो देखने को आपको मिल जाएगी। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि इसकी इंजन ऑप्शन कौन सी आएगी, और हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप इसकी ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड की 6 स्पीड की आपको यहाँ पे आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसा भी इन्फॉर्मेशन अभी आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव की जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर आपको मिल सकती है एज ए ऑप्शनल फीचर। यहाँ पर आपको 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन भी महिंद्रा स्कॉर्पियो में देखनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि इसमें कौन सी इंजन आ सकती है, इसकी इंटीरियर के फीचर्स क्या क्या रहेंगे, इसकी एक्सटीरियर क्या क्या रहेंगे, इसको डिज़ाइन की जो अगर आप बात करते हो किससे इंस्पायर्ड है, हमने आपको इस वीडियो में बताया है। महिंद्रा अपकमिंग स्कॉर्पियो की डिज़ाइन और इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की अगर आप बात करते हो तो उसे नॉर्थ अमेरिकन महिंद्रा की जो रिसर्च सेंटर है वहीं पे किया गया है, और इसकी बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो काम होती है वो महिंद्रा की इंडिया में जो इसकी सेंटर है, रिसर्च सेंटर चेन्नई में, उन्हीं में किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हो सकता है कुछ इस वीडियो में मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेश्चन की पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े रहने के लिए।